दोस्तों, ये ब्लैक ड्रोंगो है। पहले भी मैंने मेरे ख्याल से एक शॉर्ट्स में डाला था, लेकिन इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं बनाया था। तो जो ब्लैक ड्रोंगो होता है, इसको कोतवाल भी कहते हैं, कोतवाल पक्षी। और इसकी देखिए, टेल फोर्क्ड होती है, पूरी बॉडी ब्लैक होती है। एक्चुअली शाइनी कलर्स होते हैं इनमें, थोड़े ब्लैकिश ब्लूइश कलर्स होते हैं। और बीक के पास एक छोटा सा वाइट कलर का पैच होता है। तो ड्रोंगोज़ भी जो है, ये कई इनकी स्पीशीज़ होती हैं जो मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं, जिसके अंदर नाम आता है ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगो का। तो ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगो इंडिया में कई जगह पाया जाता है। लेसर रैकेट टेल ड्रोंगो भी एक स्पीशीज़ होती है। तो इनके साथ क्या होता है कि क्लेप्टो पैरासिटिज़म इनमें ऑब्जर्व किया गया है। क्लेप्टो पैरासिटिज़म का मतलब ये है कि कोई और स्पीशीज़, जो कि दूसरे बर्ड्स भी हो सकते हैं, दूसरा कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई एम्फीबियन भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, या इवन इंसान भी हो सकते हैं, इनकी आवाज़ को मिमिक करना। और वो मिमिक्री फ्रेंडली भी हो सकती है और एनिमी की भी हो सकती है। मतलब कि अगर उसी स्पीशीज़ का मिमिक कर रहे हैं, तो दूसरे मेंबर्स को लग सकता है कि उनके स्पीशीज़ का कोई और मेंबर वहाँ पर है। और अगर किसी एनिमी स्पीशीज़ का मिमिक कर रहे हैं, तो उनको लग सकता है कि कोई प्रेडेटर पास में है। तो ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगोस जो हैं, वो प्रेडेटर की आवाज़ निकालते हैं कुछ जानवरों के पास, जो कि उस प्रेडेटर से डरते हैं, और वो डर के भाग जाते हैं, जो भी खाना वो इकट्ठा कर रहे थे उसको छोड़ के, और फिर उसमें रैकेट टेल ड्रोंगो खाना खा लेता है। उसको फ़ायदा ये मिलता है कि वो खुद जितना खाने का सामान ढूंढ सकता है, उससे कहीं ज़्यादा खाने का मटेरियल उसको मिल जाता है। लेकिन ऐसा वो हर समय नहीं करता, क्योंकि अगर बार बार करेगा तो पकड़ा जाएगा, और फिर उसकी उसकी जो उसका जो ये राज है, वो खुल जाएगा और उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो अगली बार उसका ये ट्रिक काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो समझदार होता है, वो ऐसे ट्रिक को तभी यूज़ करता है जब उसे खुद खाना ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए बहुत हैवी बारिश का दिन है, या ऐसा समय है, ऐसी जगह है जहाँ पर खाना बहुत कम है, तो तब वो इस तरह की ट्रिक अपना के दूसरों को बेवकूफ़ बना के उनका खाना चोरी कर सकता है। ग्रेटर रैकेट टेल ड्रोंगो ऐसा करता है। ब्लैक ड्रोंगोज ऐसा नहीं करते हैं। ब्लैक ड्रोंगोज तो नॉर्मली इंसेक्ट्स वगैरह को ही ज़्यादा खाते हैं, और बहुत कॉमनली पाए जाते हैं वुडेड एनवायरनमेंट में भी, मतलब फॉरेस्ट में भी, सिटीज़ में भी, हर जगह ये बहुत वेल अडेप्टेड है। वेटलैंड में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कीड़े मकौड़े बहुत होते हैं। और भी स्पीशीज़ होती हैं ड्रोंगोज़ की, जैसे कि एशी ड्रोंगो, और आपका वाइट बेली ड्रोंगो, और ब्रॉन्ज ड्रोंगो, जो कि साइज़ में थोड़ा छोटा होता है। तो और भी इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं ड्रोंगोज की। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रोंगोज के बारे में थी। ड्रोंगो यहाँ बैठा हुआ है अभी भी, एक पेयर है ड्रोंगोज का, एक अभी मेरे साइड से उड़ के गया, और हवा से कीड़े वगैरह ये पकड़ते रहते हैं, और ये दूसरा वाला यहाँ पे अभी भी बैठा हुआ है ड्रोंगो। दोस्तों, ये झुरमुट में जो आपको दिख रही है, कॉमन मोर हेन है, और इंडिया में रेजिडेंट है ये। इसी तरह के झुरमुट में ये अपना नेस्ट बनाती हैं। तो अब जो है, इनके भी मेटिंग सीज़न का टाइम हो गया है और नेस्टिंग का टाइम हो गया है। तो पहले मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, हालांकि बर्ड्स के नेस्ट के पास जाना या उनके एग्स को फोटोग्राफ करना अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि इससे वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, उनको लगता है कि उन पर अटैक किया जा रहा है, तो इसलिए ये एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन मैंने करीब 4 साल पहले इनकी रिकॉर्डिंग की हुई है, कॉमन मोरहेन के नेस्ट की भी, नेस्ट में बैठी हुई बर्ड और उसकी एग्स की भी पिक्चर ली हुई है, और इनफैक्ट उसके जो यंग वंस थे, जो बच्चे थे, उनकी भी फ़ोटो ली हुई है। वो मैं कोशिश करूँगी शेयर करने की। और मोस्ट लाइकली ये जो जगह इसने ढूँढी है, ये अपना नेस्ट बनाने के लिए ही ढूँढा होगा इस जगह पर। ये कॉमन मोर हेन का नेस्ट है जिसमें वो बैठी हुई है, और उसके बाद उसके एग्स की फ़ोटो है, और ये एक छोटा चिक है जिसको ये खिलाते हैं। अपना ही जो खाना ये खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करके, उसके बाद रीगर्जिटेट करके, फिर ये अपने चिक को खिलाते हैं। दोस्तों, रेड नेप टाइबिस एक बार फिर से मिल गया है। इसकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स जो हैं, वो रोड के ऑपोजिट साइड में थे, और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत आ जा रहा था, तो वहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकते थे। तो ये एक इस तरफ दिख रहा है, और दूसरी तरफ मुझे एक ब्लैक हेडेड आइबिस भी दिखा। अब देखिए, यहाँ पे ये जो फील्ड्स हैं, अभी उड़ के जा रहा है ये जो फील्ड्स जो आपको दिख रही हैं, देखिए दूर दूर तक आपको फील्ड्स दिख रही हैं। तो यहाँ पे फ्रेशली इसको हल चलाया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े ये सब निकलेंगे, तो ये उन्हीं को खाता है।
और ये इनके लिए बहुत अच्छी जगह है इस समय। तो आइबिसेस, हर तरह के आइबिसेस, ईग्रेट्स और कुछ स्टॉक्स भी इसको बहुत फेवर करते हैं। तो ये जगह इस समय जो है इनके लिए खाने का भंडार है, आप समझ सकते हैं ऐसे। और ये जो एरिया है यहाँ पर, मैंने उस दिन अपने लाइव में भी डिस्कस किया था, ये एरिया पहले जो है यहाँ पे काफ़ी पानी हुआ करता था। ये पूरा एरिया डीघल टोल प्लाजा के पास में ही है, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये ज़मीन जो है पूरी की पूरी खेती के लिए यूज़ की जा रही है। और मैंने एक इस पे पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड किया था कि इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे वेटलैंड्स बहुत ज़रूरी हैं और मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, या तो कोई अल्टरनेटिव जगह हो जहाँ पर कि उतना ही एरिया दे दिया जाए वेटलैंड्स के लिए, जिससे कि जो माइग्रेट करके बर्ड्स आती हैं या जो यहाँ पे रहती हैं लोकल बर्ड्स, एंडेमिक बर्ड्स जो हैं हमारी, जैसे कि ये आइबिसेस हैं, वो अच्छे से रह सकें।